नमस्कार दोस्तों राइसेंस गैरेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक टूटे हुए स्टड को फिर भी बाहर निकाल सकते हैं वो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो इधर आप देख सकते हैं ये है एक नॉर्मल स्टड और यह है एक टूटा हुआ स्टड तो पहले तो आपका हब जो है वो आपको गाड़ी के ऊपर से पूरा अलग करना पड़ेगा तो मैं इधर आया हूँ कुछ प्रोफेशनल लोगों के पास क्योंकि इसको बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं है इसको एक अच्छी स्किल की जरूरत रहती है तो पहले इन लोगों ने क्या किया वो मैं आपको दिखाता हूँ तो पहले उस स्टड को थोड़ा वेल्डिंग किया और उसको थोड़ा लंबा बनाया और हर एक बार वेल्ड करके होने के बाद उसको हथौड़े से ऐसे हटखटा के फ्लक्स को अलग कर दिया और फिर से और एक टैग डाल दिया ऐसे तीन चार बार इसने किया फिर उसके पास एक टी स्पेनर जैसा था जो मेटल रॉड से बनी हुई थी रॉड्स जो घर के स्लैब के लिए इस्तेमाल होते हैं उसकी एक टी बनाई हुई थी उसके पास वो लाई उसको पहले टैग डाला और उसको टैग डालने के बाद सब साइड में उसको अच्छी तरह से वेल्डिंग मारा ये सब साइड में वेल्डिंग मारना बहुत ही जरूरी है नहीं तो स्टर्ड बहुत ही गट रहता है इसको बाहर निकालना बहुत ही कठिन होता है फिर हथौड़े से ऐसे ऊपर से उसको खटखटा के जो भी फ्लक्स उसके ऊपर था वो सब निकाल दिया फिर हथौड़े से ऐसे ऊपर से उसको खटखटा के स्टर्ड की ट्रेड जो है वो थोड़ी लूज कर दी थोड़ा उसको अनलॉक कर दिया फिर इसको ऐसे टाइट लूज टाइट लूज डायरेक्शन में घुमाया थोड़ा फ्री किया इसको और फ्री करने के बाद इसको पूरा ऐसे घुमा के बाहर निकाल दिया तो इधर आप देख सकते हैं मेरा पूरा स्टर्ड निकल गया इधर बाहर तो ऐसे आपको अगर आपके हब में जो स्टर्ड रहते हैं वो एक टूट गए हैं तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो लेकिन इसको निकालने से पहले याद रखें कि नया लाके रखिए ताकि इसको निकालने के बाद आप उसको डायरेक्टली हब के ऊपर बिठा सको तो नए स्टर्ड को पहले हब के ऊपर जितना अंदर जाता है उतना डाले फिर उसके ऊपर आपको ऐसे एक नट लगाना है और ऐसा एक नट लगाने के बाद उस नट को आप थोड़ा बीज तक टाइट करे फिर इसके ऊपर आपको और एक नट लगाना है और इस दोनों नट को आपको अच्छी तरह से टाइट करना है और दोनों नट को अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ टाइट करने के बाद अब जो ऊपर का नट है उसको पाना लगा के स्टड को ऐसे जितना अंदर आप डालना चाहते हो उतना अंदर डाले फिर दो स्पेनर लेके ये दोनों नट को आपको लूज करना है और फिर ये दोनों नट को पूरे स्टड से अलग करना है तो ये आपका हब अभी रेडी है गाड़ी के ऊपर बिठाने के लिए तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो यूजफुल था अगर ये वीडियो यूजफुल था तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको मेरा कोई भी नया वीडियो मिस नहीं होगा तब तक के लिए दिस इज राइसन साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन